अरे अरे दीपू, अरे हरी बंद कर, हरी अरे एक मिनट, हरी बच्चे की जान लेगा क्या? क्षमा क्षमा गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने देखा नहीं। अरे अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो अब जान पूछ के लेगा। अरे बंद करना, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। क्या दीपू, दीपू दीपू संभाल के दीपू। अच्छा ठीक है, बाहर जाके मेन स्विच ऑफ कर, जा जल्दी जा। दीपू 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 तुमने क्या किया है? अरे मैंने जो किया सो किया, लगता है भगवान को मेरा आइडिया पसंद आ गया। दीपू 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 आई एम सॉरी दीपू, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। पंखे पे लटकने का आइडिया मेरा था, उसका क्रेडिट तुम नहीं ले सकती। दीपू ऐसे वक्त पे तुम मजाक कर रहे हो? अरे ये तो पैदाइशी ड्रामेबाज है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर सकता है ये। और तू सुन, अगली बार ऐसे किया ना तो यार तुझे कुछ हो जाता तो तू कैफे का अकेला मालिक बन जाता और 40 लाख का कर्जदार भी। तो तू सिर्फ बुरे वक्त में मेरा साथ चाहता है। और क्या, अच्छे समय में बहुत दोस्त मिल जाते हैं। तुझे क्या लगा इतनी जल्दी तुझे छुटकारा पाने देता मैं? But I can't. Good morning. Good morning. ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें जैकेट पहना रही हूँ। देखिए हम बच्चे नहीं हैं, हम अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं। तो फिर बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? ये लो पहनो। अरे नहीं, हम ये नहीं पहनेंगे, प्लीज पकड़िए इसे। पर क्यों? आज तुम पर ये कितना अच्छा लगेगा। नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम वो पहनेंगे और हम वही पहनेंगे, हम ये नहीं पहनेंगे, प्लीज। ठीक है। ये लो, तुम यही पहन लो। अच्छा मान गई। अब देखिए आप इतनी जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि आप हार मान जाती हैं तो खेल का कुछ मजा नहीं रहता। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। हार किसने मानी? मैं तो पहले से ही चाहती थी कि तुम ये वाला पहनो, पर अगर मैं ये बात कहती तो तुम कभी नहीं मानते। अच्छा एक बात बताइए, आप वीकेंड पे क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। वेरी गुड। क्यों, कोई प्लान है? हाँ हमारा एक प्लान है। क्या प्लान है? हम शहर से बहुत दूर जा रहे हैं, बाहर। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं। ठीक है, मैं पापा के पास चली जाऊंगी। ये। आप हमसे पूछेंगी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? नहीं। पूछ लीजिए क्वीन साहिबा, आपको खाना नहीं पचेगा। नहीं, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर हम कहें कि हम अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं तो मैं कहूंगी जाओ, जरूर जाओ। अच्छा, तो अब आपको जलन भी नहीं होगी? होगी, लेकिन पत्नी की जलन से कोई पति रुका है कभी? इसलिए समझदारी इसी में है कि मैं तुम्हें जाने दूं। जल्दी आ जाओगे मेरे पास लौट कर। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको। अब वैसे आप ऐसा कैसे कह सकती? वेरी सिंपल, कोई आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसे पत्नी से छुप छुप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर पत्नी को पता हो और वो रजामंद हो तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इट्स लाइक यू नो, अगर बच्चे को कहो कि आग में हाथ ना डाले तो सबसे पहले वही करेगा। तो इसलिए जाओ। ओके दैट्स इट। देखिए जो आप कर रही हैं, वॉट एवर यू डूइंग, ये नौटंकी है। और हम समझ रहे हैं कि आप नौटंकी कर रही हैं। क्या आप समझ रही हैं कि हम समझ रहे हैं? कबीर ये नौटंकी नहीं है। नहीं, ये नौटंकी है शिवानी। इनफैक्ट देखिए आप कुछ खिचड़ी पका रही हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। कबीर नहीं, छोड़िए कबीर। शिवानी जस्ट लेट मी गो। हाय दीपू। हाय, तुम यहाँ? मुझे तो लगा कि हाँ, लेकिन एक कप कॉफी के लिए वक्त है मेरे पास, लेकिन लगता है तुम बिजी हो। एक दोस्त के साथ बिताने के लिए 15 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। जूलिया कॉफी प्लीज। आओ बैठो ना। ये लो। ये क्या है? Oh my God, मैं तो भूल ही गई थी तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। My dear दीपू, किताब कहते हैं इसे। Very funny। इसमें है क्या? वही सब, हर पल में जियो, जिंदगी कीमती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें लगता है कि मैं फिर से सुसाइड करने की कोशिश करूंगा? नहीं दीपू, मैंने ये बुक इसलिए लाई थी क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग है। बेस्ट सेलिंग लिस्ट पर तो दा विंची कोड भी है। तो तुम्हें दा विंची कोड चाहिए थी? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे पास है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो? गर्लफ्रेंड? हाँ। जैसे मिलेगी मिलवा दूंगा। क्या? क्या कि हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, तो जैसे हम लोग मिलेंगे मैं तुम्हें भी मिलवा दूंगा। हाँ। लेकिन तुम लोग इतने दिनों से मिले क्यों नहीं हो? थैंक यू। वो बहुत दूर रहती है ना इसलिए। कहाँ? मैडागास्कर। अच्छा, तो फिर वो यहाँ कब? तुम मेरी ही बातें करती रहोगी या अपनी भी कुछ सुनाओगी? दीपू, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, मैं टॉपिक कहाँ चेंज कर रहा हूँ। इट्स ओके दीपू, अगर मुझे तुम उसके बारे में नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, इट्स रियली कूल। लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ूंगी, जब तुम मुझे उसकी तस्वीर बताओगे। और अब ये मत कहना कि तस्वीर खिंचवाते ही दिखा दूंगा, यही कहने वाले थे ना तुम? नहीं, मैं तो ये कहने वाला था कि फोटो मेरे कंप्यूटर में है और प्रिंट आउट निकालते ही दिखा दूंगा। ओके। I can't believe this. उसकी हिम्मत कैसे हुई? ओफो शिवानी, क्या हो गया? पता है, आज सुबह मैं कबीर को तैयार होने में मदद कर रही थी और उसने मुझे जोर से बेड पे धकेला और धमकी भी दी। मेरे साथ आज तक ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया है। उसकी ये हिम्मत? तुम्हें तो बहुत शॉक लगा होगा ना? हाँ। नहीं, एक्चुअली वो काफी एक्साइटिंग था। है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कबीर अभी भी मुझ पर शक करता है। कैन यू इमेजिन? वो कह रहा था कि उसे पता है कि मैं कोई खिचड़ी पका रही हूँ। मैं और खिचड़ी, कौन देता है उसे ये आइडियाज? पता नहीं। और पता है, वो ये भी कह रहा था कि वो इस वीकेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर के बाहर जा रहा है। उसकी वाकई में कोई गर्लफ्रेंड है क्या? पता नहीं। ओ चेतन, मैं क्या करूं? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। इतना कमिटमेंट तो मैंने किसी हॉबी पर भी नहीं दिखाया, पर कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है मुझे उसे छोड़ ही देना चाहिए। तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ ही दिन, कम से कम खुश तो रहूंगी। तुम मेरी बची कुची जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे तुम ऐसा करोगी तो मुझे टेंशन रहेगा ना तुम्हारा। प्लीज मेरी बची कुची जिंदगी को माफ कर दो। तो क्या करूं मैं? तुम कबीर के पास वापस चली जाओ और कोशिश करो। अपनी शादी की पक्की बुनियाद बनाओ। पक्की बुनियाद वाली शादी कोई नहीं तोड़ सकता। ताजमहल। जानती हूँ, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। हाँ, और जब बना था तो 400 साल तक खड़ा रहा। हाँ, वो तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी खड़ा है। तो फिर मैं तुम्हारे क्या हुआ? दवाई चाहिए? नहीं, बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब दवाई भी कोई असर नहीं करेगा। तो क्या करें? कुछ नहीं, इस अटैक के पास करने का इंतजार। पर चेतन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। शिवानी प्लीज चली जाओ, मैं भी तुम्हें मुझे दुखी देखकर दुखी नहीं देखना चाहता। क्या? अब मतलब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। फाइन, गो गेट आउट। हेलो, हम बोल रहे हैं। श्री हरि प्रसाद पांडे, बोलिए। सर, शिवानी मैडम आई थी। अच्छा, चिंतित लग रही थी। आप आगे बोलेंगे? जी सर। चेतन और शिवानी मैडम दोनों में विस्तार पूर्वक वार्तालाप हुई। कुछ कहा शिवानी ने? शिवानी मैडम आपके बर्ताव से अस्त व्यस्त थी और घर छोड़ने की बात कर रही थी। Good. जी नहीं सर, असल में प्रसन्नतादायक समाचार तो कुछ और है। चेतन ने शिवानी मैडम को घर ना छोड़ने के प्रति मना लिया है। क्या कहा आपने? जी सर, और चेतन ने यह भी कहा है कि शिवानी मैडम और प्रयास करें। और कुछ बात? संभवतः ताजमहल बनाने की बात हो रही थी, कुछ ठीक से सुन नहीं पाए। पक्की बुनियाद बनाने की बात हो रही थी, प्रयास करते रहने की बात चल रही थी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सर आपको कुछ समझ में आया कि चेतन ताजमहल क्यों बनाएगा? सर हम सब समझ गए, बाय बाय। Chetan, why don't you go inside? Thank you. किसका फोन है? ओहो, मनोज का फोन। यार यहाँ पे कैमराज नहीं लगाए क्या उसने? जब भी मैं गुड मूड में होता हूँ ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, हमें सब दिखाई दे रहा है मिस्टर चेतन। वाकई कैमराज तो नहीं लगाए? कि हमें आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि जो खेल आप खेल रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब देखिए, मैं तो सिर्फ अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहा हूं। हम शिबानी की बात कर रहे हैं। आपको लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा? आपको लगता है कि अभी तक हम समझ नहीं पाए कि शिबानी के इस बर्ताव में परिवर्तन के पीछे कौन है? ये आपसे किसने कहा? देखिए, मैंने शिबानी को कोई पट्टी वट्टी नहीं पढ़ाई। Chetan, 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 just stop this. Let's stop playing games now. All right? हमने आपसे पहले भी कहा था, आप कहीं भी कभी भी कुछ भी करेंगे हमें पता चल जाएगा। आप प्लीज सिर्फ वही कीजिए जो हम आपसे कहते हैं। मेरी इतनी हिम्मत कि आपके आदेश के खिलाफ जाऊं? नहीं नहीं नहीं। वेरी गुड, क्योंकि आप जानते हैं ना ताजमहल बनाने वालों के साथ क्या किया गया था। उसके हाथ काट दिए गए थे। वेरी गुड, आपके हिस्ट्री की नॉलेज काफी अच्छी है। कीप इट अप मिस्टर चेतन। ताजमहल, यानी कि मेरा शक सही निकला। कबीर का कोई जासूस इस कैफे में है, लेकिन कौन हो सकता है? कोई कस्टमर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई कस्टमर है नहीं जो रोज आता हो। यानी कि इस कैफे का कोई कर्मचारी है, पर कौन? जूलिया? हमारे कैफे में तो खिचड़ी पकते ही नहीं, पकते हैं तो बर्गर, सैंडविचेस, पिज्जास, गंदे प्लान्स, ये सब पकते हैं ना। गंदा प्लान? What गंदा प्लान? कुछ नहीं, नथिंग। दूध का दूध और पानी का पानी वक्त ही करेगा। शबाना, सब मर्द ना एक जैसे होते हैं, ध्यान नहीं रखो तो सब कुछ लूट के चले जाते हैं। या हरी? नहीं, भूखे हम नहीं, भूखे तो कुंदन है, भूखे तो अनुज है। वो माता है जिनके नयन चक्षु हरकत करना बंद कर चुके हैं, वो पितामह है जिनके चरण कमल हिलने में असमर्थ है। यदि आप हमें यहाँ सेवा करने की अनुमति दे दें। दे दिया। इन तीनों में से एक जरूर होगा, एक ही तरीका है पता लगाने का। दीपू 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 दीपू, देख मुझे लग रहा है हमारे कैफे में कबीर का कोई जासूस है। अच्छा? हाँ। कैसे? यार अभी अभी मेरी कबीर के साथ बात हुई, शिबानी और मेरे बीच जो बात हुई उसे पता चल गई यार। अरे शिबानी ने बताई होगी। हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट है हरी, शबाना या जूलिया पर। तो उनमें से कौन है? पता नहीं ना। फिर? हाँ, हमें इस जासूस को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। अच्छा कैसे? एक प्लान है, मैं तीनों को एक एक काम, जो करना है करना, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी है? जासूस को पकड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है? लड़की को पकड़ना, मतलब मुझे लड़की ढूंढनी है ना। ओह यार, वो अनन्या को जो कहानी सुनाई थी वो। हाँ, अब मुझे उसकी फोटो उसे दिखानी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ से लाऊं, कैसे। रिलैक्स, उठ उठ। इसमें क्या? इधर किसी भी चैट साइट पर चले जा, हजारों मिल जाएंगी। ये देख, ये यूके साइट है ना, यहाँ पे बहुत एनआरआई इंडियंस मिल जाएंगी। मुझे यूके वाली एनआरआई नहीं चाहिए, मुझे तो मैडागास्कर वाली एनआरआई चाहिए। क्या है कि हड़बड़ाहट में मैंने मैडागास्कर कह दिया ना। तू पागल हो गया दीपू, तू जानता भी है कि मैडागास्कर में इंडियंस होते हैं कि नहीं। अब तो अपनी विशेष टिप्पणियां बंद करेगा और लड़की ढूंढेगा। हाँ ये देख, नाम क्या? नारायणी। परफेक्ट, लेकिन फोटो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा तो सुन ना, मैंने सोचा कि हम इस जासूस को रंगे हाथ पकड़ेंगे। कैसे? कैसे? मैं एक एक को अलग अलग काम दे दूंगा अपने डेट के लिए। डेट? तेरे पास कोई डेट नहीं है? है नहीं, लेकिन हो जाएगी ना। अच्छा हाँ। अच्छा ये नहीं है। अच्छा बता ना, फिर क्या? फिर क्या? जो भी जासूस होगा वो अपनी जिम्मेदारी कबीर को बताएगा या बताएगी। अच्छा ये वाली, और हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे यार। परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू। तू नहीं, लड़की ये वाली मिल गई, प्लान भी मिल गया और गर्लफ्रेंड भी। क्यूट है। ओके, आज शाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज शाम मेरा शिबानी के साथ एक कैंडल लाइट डेट है। How romantic! इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज शाम एकदम परफेक्ट हो एंड आई नीड योर हेल्प। तीनों की जरूरत है। पर हम सब के होने से तुम्हारी डेट खराब नहीं हो जाएगी? आपसे किसने कहा कि आप हमारे साथ डेट पे रहेंगी? और रिलैक्स चेतन, शबाना मजाक कर रहा था। ओह ओके। गुरुजी आप आदेश दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जूलिया इधर। क्योंकि बेकिंग तुम्हारी स्पेशलिटी है, मैं चाहता हूं कि तुम एक ब्यूटीफुल हार्ट शेप केक बेक करो। ओके जाओ सामान ले आओ मार्केट से। जाओ शबाना। शबाना क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत प्रिटी है, तुम्हारी तरह तुम मार्केट से एक ग्रीटिंग कार्ड ले आओ और उस पे एक रोमांटिक सा नोट लिखना। ओके चेतन। हाँ। अब जब मैं जा ही रही हूँ तो अपने लिए भी एक कार्ड ले लूँ कैफे के पैसे से। श्योर गो। हरी जी। हरी तू मेरे जूते साफ करेगा और इतना अच्छा साफ करेगा, ऐसे चमकाएगा जैसे आईना। समझिए हो गया। ओके और एक और बात, मार्केट से एक बुके ऑर्किड्स ले लेना। ऑर्चिड? ऑर्चिड नहीं, ऑर्किड। फूल होते हैं, फूल। जी जी Go. समझ गया। गो। पत्ते तो बढ़ गए, अब देखते हैं कबीर की क्या बाजी होती है। यस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको आने से मना किया था ना। कुछ देख लेता तो। क्षमा चाहते हैं सर, पर बहुत विशेष समाचार है। मिस्टर हरी, इट बेटर बी विशेष। सर, चेतन अपनी प्रेमिका से आज रात्रि के भोजन पे मिलने वाले हैं। उन्होंने हमें जूते पॉलिश करने को कहा और ऑर्किड का गुलदस्ता भी लाने को कहा है। ऑर्किड का गुलदस्ता? ओके, जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही कीजिए और जल्दी जाइए। जी। बफून। हेलो। सो आखिर मिस्टर चेतन सबक सीख ही गए। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम बहुत खुश हैं कि आप शिवानी के साथ आज रात को डिनर पर जा रहे हैं। ओ वो। जी। बट डोंट यू थिंक आपने प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एलैबोरेट बना दिया है? I mean, orchid flowers and shiny shoes and candlelight dinner and blah blah blah. So, this is the end of this gibberish. Do you get that? आज कैफे खाली लग रहा है और गंदा भी बहुत लग रहा है। साफ करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? हाँ, साफ सफाई कर रहा हूँ। अच्छा, पता है मैं भी साफ सफाई बहुत अच्छी करता हूँ। पूछो क्यों? आपके परिवार में कोई जमादार है क्या? नहीं, मैं ना स्कूल में एनसीसी में था। अच्छा, एनसीसी में साफ सफाई करने की शिक्षा दी जाती है? हाँ, और भी बहुत कुछ सिखाते हैं जैसे वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई। वैसे इन गुणों के बारे में तुम्हें पता है ना? जी बहुत अच्छी तरह। मैं भी इन गुणों का पालन करता हूँ और हर किसी को करना चाहिए। जो मनुष्य इन गुणों का पालन नहीं करता वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप जानते हैं रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि वो भी इन गुणों का पालन करते हैं। रावण का गुलाम, धोखेबाज, ट्रेटर, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। कबीर का चमचा। यस।